नमस्कार स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मधुर सर जी एस क्लासेस। और आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट 8 और 9 अप्रैल दोनों का करंट। कल 8 अप्रैल को कुछ तकनीकी कारणों के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इस कारण से 8 और 9 अप्रैल के लिए हम लोग मोस्ट 25 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग आज का करंट आरंभ करते हैं 8 और 9 अप्रैल दोनों का। चलिए भाई, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट के, शहीद मंगल पांडे को फांसी कौन सी तारीख को दी गई थी? 8 है, 7 है, 29 है और 8 अप्रैल है। तो हम लोग देखेंगे शहीद मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, इसका सही आंसर है ए, 8 अप्रैल 1857 को। और ये आप देख सकते हैं कि 29 मार्च को मैंने आपको बताया था कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में सबसे पहले सिपाही विद्रोह की शुरुआत की, उसके बाद जनरल वॉक को गोली मारी, उसके बाद उनको पकड़ा गया और आज के दिन यानी कि 8 अप्रैल के दिन 1857 में उनको फांसी दे दी गई बैरकपुर में। बैरकपुर में ही उनकी समाधि है। तो नमन करते हैं हम लोग मंगल पांडे जी को, ये अमर शहीद हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा पे लेते हैं। चलिए, वर्ल्ड रोमानी डे यानी कि वर्ल्ड रोमानी डे या वर्ल्ड रोमा डे हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 8 अप्रैल। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, रोम एक कंट्री है, रोम एक कल्चर है। आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले यूरोप में कल्चर थी, वो कल्चर आज भी जीवित है। तो इस तरह की संस्कृति को बचाने के लिए ये दिवस UNO द्वारा घोषित किया गया है। इसलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि 8 अप्रैल को वर्ल्ड रोमा डे यानी कि रोम की जो कल्चर है। ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि क्रिकेटर लीडिंग इन द वर्ल्ड विजडन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? विराट कोहली को, बेन स्टोक को, स्मिथ को, सचिन को? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड के जो क्रिकेटर है बेन स्टोक, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो विजडन अवार्ड है, आप देख सकते हैं 19 के लिए जो कि बेन स्टोक है, जबकि आप विराट कोहली को देख रहे हैं, विराट कोहली की जो बादशाहत है वो बेन स्टोक ने समाप्त कर दी 3 साल से। आप देख सकते हैं 16 में, 17 में, 18 में, लेकिन 19 में इस बादशाहत को छीन लिया इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक ने। और अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आप ध्यान से सुने। देखिए विजडन क्या है, विजडन एक इंग्लिश पत्रिका है जो 1864 में छपना स्टार्ट हुई, फर्स्ट पब्लिकेशन उसका 1864 में आया था और डिज्नी विजडन क्रिकेटर थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो सबसे बड़ी सबसे सम्मानित पत्रिका ये हर साल अवार्ड देती है। तो इसलिए मैं आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3 वो इसी पर आधारित हैं। तो ध्यान रखें कि मेल कैटेगरी में क्रिकेटर लीडिंग इन द वर्ल्ड विजडम का अवार्ड बेन स्टोक, विराट कोहली लगातार 3 साल से थे, उनको पीछे धक्का मारा और आगे आ गई। चलिए भाई अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेटर लीडिंग इन द वर्ल्ड विजडम वुमेन अवार्ड किसे दिया गया है? महिलाओं में, अभी हम मेल की बात करके आ रहे थे, अब फीमेल की है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है एलिसा पैरी। और एलिसा पैरी फेमस ऑलराउंडर है, बड़ी खतरनाक ऑलराउंडर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो ICC ने भी इनको क्रिकेटर इन द वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है वुमेन में, और विजडन ने भी चुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेटर लीडिंग इन द वर्ल्ड विजडन T20 अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है, इस चेहरे को आप सभी जानते हैं, इसका आंसर है ए, आंद्रे रसल, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जबकि विजडन पत्रिका फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1864 में, और ये कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 76 डेज बाद कहां पर लॉकडाउन खोला गया है? तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा, ये चाइना का आप देख सकते हैं, चाइना का वुहान, वुहान की राजधानी हुबेई है, आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट हुआ था। और ये हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है, ए, वुहान खोल दिया गया है। धीरे धीरे हालात सही हो रहे हैं, हमारे गंभीर हैं लेकिन नो डाउट हमारे भी सही होंगे हालात देश के। तो इसका आंसर है स्टूडेंट
वुहान, वुहान के हुबेई में ही सबसे पहले ये चाइना के सी फूड मार्केट से ये कोरोना वायरस आया था, और आप देख सकते हैं कि सब जगह ये जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के मंत्री को लॉकडाउन में बाहर निकलने के कारण वहां के पीएम ने अपने पद से हटा दिया है? तो देखिए बड़ी समस्या वाली बात है, लॉकडाउन में बेचारे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डेविड क्लार्क, अब क्या करें, घर में बहुत दिन से थे, अब परेशान हो गए होंगे शायद वो, इसलिए मैरीन बीच पे जाना चाहते थे और वो चले गए। इतने में न्यूजीलैंड की जो पीएम थी और हम लोग देख सकते हैं ये जेसिंडा एंडार्क, तो ये न्यूजीलैंड की पीएम है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री को इनके पद से हटा दिया है, निचले दर्जे का मंत्री बना दिया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और जबकि हम लोग देखते हैं जो न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, तो इसका आंसर है बी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की पीएम, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखें। चलिए अगले चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रेमी जोड़ों के युगल के लिए ट्यून्ड ऐप लॉन्च किया है? साहब लविंग कपल के लिए लॉकडाउन में नहीं मिल पा रहे हैं तो फेसबुक अब मिलाएगा, तो फेसबुक ने अब लॉन्च किया है ट्यून्ड ऐप। तो इसका स्टूडेंट सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, फेसबुक, ठीक है भाई। तो ट्यून्ड ऐप लविंग कपल के लिए, दिस इज सीक्रेट ऐप फॉर लविंग कपल, दिस ऐप प्रेजेंटेड बाय फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट, ठीक है भाई। तो अब मिल सकते हैं, वैसे नहीं मिल सकते हैं फिजिकली, तो आप लोग जो है कि सोशली मिल सकते हैं सोशल मीडिया पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार की तर्ज पर विधायकों का वेतन और विधायक निधि का कटौती का निर्णय केंद्र सरकार के बाद सबसे पहले किस स्टेट ने लिया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा, मैंने आपको 7 अप्रैल लेकर एंड में बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है कि जो एमएलए जो सांसदों का वेतन है वो 30% की कटौती होगी, जो एमपी लेड्स है जो निधि होती है वो 2 साल के लिए कर दी गई है। इसी तरह से निर्णय यहाँ पर लिया गया यूपी में, 30% वेतन की कटौती होगी, लेकिन जो विधायक निधि है जो एमएलए का फंड होता है वो 1 साल के लिए स्थगित किया गया है, जबकि केंद्र वाला 2 साल के लिए, ठीक है भाई। और इसकी जितनी भी राशि होगी वो सब पीएम केयर फंड में जाएगी, और जिससे आपदा जो कोरोना वायरस ने फैलाई है उसको निपटने के लिए सरकार उस फंडिंग से जो है कि पैसा लेगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्सनल लोन कोविड-19 योजना किस बैंक ने लॉन्च की है? तो सिंपल सी बात है, इसका स्टूडेंट इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो पर्सनल लोन कोविड-19 योजना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे दी है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय आज से 1 साल पहले देना बैंक, विजया बैंक सब लोग मिल के बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के हम लोग देखेंगे सयाजी राव गायकवाड़ जो है कि इस समय चीफ है, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस तरह की योजना प्रस्तुत की है। पर्सनल लोन है, 5 लाख से अधिक नहीं मिलेगा, 5 लाख तक की अधिकतम सीमा है। इस प्रकार के लोन पर जो आम ब्याज दर है वो कम रखी गई है, इंस्पायर करने के लिए आइए लोन लीजिए, ठीक है भाई। चलिए भाई चलते हैं हम लोग कवर नंबर 11 पर। भारत में उत्साह और हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन से गाने का लिंक भारतीयों को शेयर किया है? तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर है मुस्कुराएगा इंडिया। तो आप देखेंगे मुस्कुराएगा इंडिया, जितने भी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं तमाम सारे लोग हैं उनने मिलकर इस गाने को गाया है, पीएम ने इसको बड़ा सराहा है और इसकी लिंक को पूरे भारतवासियों के लिए शेयर किया है, प्लीज़ आप सुने। और पीएम मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे संकट की घड़ी में लोगों को बांध के रखा हुआ है और हमारा वो उत्साहवर्धन करते रहते हैं। चलिए भाई तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का कौन सा दूसरा राज्य सर्वाधिक कोरोना वायरस से प्रभावित है?
तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक सवाल यहाँ पे पूछूं कि हमारा यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ मिल रहे हैं वो महाराष्ट्र में, अगर आप आंसर देना चाहें तो मुझे आप दे सकते हैं कमेंट में कि भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित जो मरीज़ मिले हैं वो कौन सा राज्य है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका की, न्यूयॉर्क सबको पता है, यहाँ पर मैंने डाटा पूरा दिया है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में 5,000 से, न्यू जर्सी, तो इसका डेफिनेट इसमें आंसर क्या होगा, न्यू जर्सी। ठीक है भाई, तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, बात बाकी देख ही रहे हैं, अमेरिका में संक्रमण जबरदस्त है। चलिए भाई, खबर नंबर 13, रूजवेल्ट शिप मामले में यूएसए के नेवी चीफ ने इस्तीफा दिया है। देखिए पहले मामला सुन लें आप, क्या है कि देखिए जो रूजवेल्ट जो है वो एक शिप का नाम है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि रक्षा मंत्री मार्क एस्पर है, और जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे थॉमस मुडली, ये इसके जो है कि नेवी के चीफ थे। तो ये जो रूजवेल्ट शिप था वो गुआम नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पे ये काफ़ी समय से कोरोना संक्रमित था, काफ़ी समय से रुका हुआ है वहाँ पे, अभी आया नहीं है। तो इसकी कार्यप्रणाली को लेकर जो है कि कुछ विवाद हुआ, इस कारण से जो है कि मार्क एस्पर जो है कि सॉरी बी इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट, इसका आंसर बी होगा, थॉमस मॉडली ने इस्तीफा दिया, जबकि रक्षा मंत्री कौन है, मार्क एस्पर। और ये शिप आप देख रहे हैं रूजवेल्ट शिप है, ये गुआम में जाके अटका हुआ है, ये देख सकते हैं, सारा आपको दिखाई देगा। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन बने सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश में कोरोना के चलते एक माह का आपातकाल लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सिंजो आबे ने प्रधानमंत्री मोदी से इंस्पायर होके ये कदम उठाना शुरू किया है, और उन्होंने जिस तरह से इंडिया में हालात देखे वहाँ पर वो शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर ये हो कि आपातकाल को शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट, इसका सही आंसर है जापान। तो जापान ने एक माह का आपात लगाया है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ के जो पीएम है वो सिंजो आबे हैं, यहाँ की जो मुद्रा है आप देख सकते हैं ये इन है, और ये पूरा हम लोग देखेंगे जापान की पूरे स्थिति, जापान का पूरा मैप है, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो हाल ही में हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक स्थगित हो चुके हैं, वो टोक्यो में जापान में होने वाले थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आपातकाल का ध्यान रखें भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ब्रिटानिया, देखिए हम लोग दो ही चीज़ें जानते हैं, या तो पार्ले खाते हैं या फिर हम लोग ब्रिटानिया खाते हैं। तो हाल ही में ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी ने अपने उत्पादों को तीव्रता से बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनी से समझौता किया है, और वो एक मार्केटिंग ई कंपनी कौन सी है स्टूडेंट्स, इसका आंसर डेंजो है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटानिया को दिखाई दे गया है कि लॉकडाउन में उनके उत्पाद कम बिक रहे हैं, इस कारण से उन्होंने ऑनलाइन उत्पादों को बेचने के लिए डेंजो से समझौता किया है। तो डेंजो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, और ब्रिटानिया बिस्कुट की कंपनी है। चलिए भाई, तो इस तरह से 15 सवाल पूरे हुए, आगे चलते हैं 16वें सवाल पर, 16 क्वेश्चन, कि भारत ने अभी कितनी ज़रूरी दवाओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इसकी कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए 25 मार्च से सभी प्रकार की दवाओं पर से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अभी अमेरिका में, ब्राज़ील में, तमाम लगभग 33 कंट्रीज ऐसे हैं वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मोदी जी ने जो ट्रंप थे उन्होंने बात की, तो उसके बाद में ये जो है कि निर्यात अब हटा लिया गया है। और अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार जो है कि 14 दवाएं दूसरे देशों में निर्यात करेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 97 संकट मोचन संगीत समारोह अब की बार ऑनलाइन प्रसारित होगा, या कहां प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ए, बनारस। संकट मोचन हम लोग देखेंगे, हनुमान जयंती के अवसर से स्टार्ट होता है, और ये जो है कि काफ़ी प्रतिष्ठित है, 97 से बनारस में होता है, और अब की बार ये फेसबुक पेज पर लाइव किया जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया 12 से 17, और पंडित जसराज और ये सब गायन के लिए ये डायरेक्टली लाइव प्रस्तुति देंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। चलिए भाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना वायरस जैसे अन्य वायरस को भी मारने के लिए पराबैंगनी स्टरलाइजर तकनीक बनाई है IIT BHU, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT चेन्नई।
तो इसका स्टूडेंट सही आंसर है IIT BHU बनारस। तो मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि सबसे पहले पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइजर एक मशीन है। ये मशीन जो है कि पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंट आपके आपका कोई भी सामान हो, पर्स हो, बैग हो, कोई भी सामान हो, इसके ऊपर ये रेज डाली जाती है और वो हर प्रकार के वायरस को ख़त्म करने में सक्षम होती है। और आप देख रहे हैं कि लगातार हर दिन के करंट में IIT से एक या दो सवाल आपको मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ IITs 23 हैं, क्योंकि मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि IIT जितना काम कर सकती है उतना काम करे इस कोरोना वायरस को हराने के लिए। दोस्तों, ये जंग हम लोग जीतेंगे और दोबारा से सभी लोग काम धंधे पर पहुंचेंगे। तो चलिए हम भी पहुंचते हैं हम लोग अगले 19वें क्वेश्चन पे कि हाल ही में ब्रिटेन PM बोरिस जॉनसन ICU में है, उनके स्थान पर किससे सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, विदेश मंत्री हैं और डोमिनिक रॉब अमेरिका के इंग्लैंड के विदेश मंत्री हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोरिस जॉनसन इस समय ICU में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है और कोरोना का संक्रमण इनको हुआ है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 20, IGOT क्या है, यह किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ध्यान से सुने IGOT, पहली चीज IGOT का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसको नाम क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म ऑफ कॉम्बैट COVID-19। और इसको जो है कि किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर है जो है कि ए, DOPT। अब DOPT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि COVID-19 के चलते जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो इससे संबंधित कुछ सामान बनाना सीख सकते हैं, तो ये इस प्रकार का लर्निंग प्रोग्राम है, ई लर्निंग प्रोग्राम है IGOT, जिसका नाम प्लेटफॉर्म COVID-19 दिया गया है और जो है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 21 पर देखें कि जो हमारा, देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमारा आदिवासी मंत्रालय, हमारे आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाई उनके पास कई सारी कला है, वो कई सारी सामान बनाते हैं, उनको मार्केटिंग कैसे की जाए, तो उनके सामानों को कैसे बेचा जाए, उत्पादों को बेचने में सहायता प्रदान करती है ट्राइफेड। और ये स्टूडेंट ट्राइफेड जो बनी थी वो 1987 में बनी थी, ये ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, बनी थी 87 में। क्या काम करती है ये सहायता करती है आदिवासियों का जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं उनको बिकवाने में। और हमारे जो आदिवासी मंत्री ट्राइबल जो है वो अर्जुन मुंडा है। तो सिंपल सी बात है कि इसको जो है कि ट्रेनिंग के लिए, एक डिजिटल ट्रेनिंग के लिए ये इन्होंने किस से समझौता किया है, तो हम लोग देखेंगे ये समझौता किया गया यूनिसेफ से। ठीक है, चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में विदेश मंत्रालय का जो नया प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, तो ये कौन बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक हम लोग देख रहे थे रवीश कुमार जी थे, लेकिन अब बनाए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। और अनुराग श्रीवास्तव इससे पहले जो है कि इथोपिया के राजदूत भी रह चुके हैं। तो सिंपल एक फ्लैट क्वेश्चन है। जबकि विदेश मंत्री कौन है स्टूडेंट, एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगाल। ठीक है भाई, तो ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखें। चलिए भाई 23 क्वेश्चन कि हाल ही में महान लोक गायक जॉन प्राइम का निधन हुआ, वो किस देश के थे। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ए, लोक गायक। ठीक है ना, लोक गायक यानी कि फोक म्यूजिक में ये जो है कि काफ़ी महान व्यक्ति थे। लॉस एंजल्स में इनका निधन हुआ है कोरोना वायरस के चलते। सिंपल फ्लैट क्वेश्चन है आपने, और पूरे डिटेल में जो है कि मैंने यहाँ पे दिया है, ये लॉस एंजल्स में से, ये इनका फोटो है, इस तरह से थे, बूढ़े थे, 73 साल के थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट 23 क्वेश्चन कि CBSE सभी लोग जानते हैं, आप में से कई स्टूडेंट होंगे भी, उस बोर्ड के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
तो सिंपल सी बात है, अभी 20 और 21 के लिए नया सेशन शुरू होगा, तो छठवीं क्लास से लेके 11वीं क्लास तक के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक नया कोर्स आरंभ करने जा रही है। ये छठवें कोर्स के रूप में होगा, तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल, ठीक है। और जबकि आप देख रहे हैं CBSE की हम लोग बात करें, CBSE बनी कब थी, 1962 में, और इस समय हम लोग देखेंगे इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, महिला है, अनीता करवानी, ठीक है, और ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये देखें, और अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के 25, क्योंकि मैंने बताया था 25 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी ने बच्चों के मानसिक अवसाद को कम करने के लिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है, कोरोना में बच्चे घर पर हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या करें, तो डिजिटल तरीके से उनके दिमाग को जो है कि सही करने के लिए, उनके टेंशन को कम करने के लिए। स्प्रेड इसका सही आंसर है पॉपकॉर्न फर्नीचर, पॉपकॉर्न फर्नीचर जो है, और ये बच्चों के डेस्क, मेज, कुर्सी, तमाम सारी चीज़ों पर काम करती है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये था आज का मुख्य करंट, ये थे 25 क्वेश्चन, और लगातार इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स करें, और भी आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।